अच्छा सब्जियां खाने का जो असली मजा है ना वो भाई सर्दियों में आता है इतनी ढेर सारी और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ आती हैं तो आज चलिए एक क्विक सा और बहुत ही डिलीशियस लंच बना के तैयार करते हैं लेंगे क्या कि एक कप मैदा और एक कप मैंने गेहूं का आटा लिया आप दोनों कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं दोनों कप मैदा भी ले सकते हैं साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे वन फोर टी स्पून का मैंने बेकिंग सोडा डाला है और हाफ टी स्पून का बेकिंग पाउडर भी डाला है उसके बाद सभी चीज़ों को पहले ड्राई इंग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेंगे और साथ में मैंने थोड़ी सी चीनी भी ऐड करी है और उसके साथ में एक चम्मच घी डाल के और खट्टे दही से हमें यहाँ पे आटा और ये एकदम सॉफ्ट आटा लगा लिया दस पंद्रह मिनट का रेस्ट देते हैं तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं पैन में लेंगे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल साथ में जाएगा जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज प्याज, प्याज के साथ ही पे बिल्कुल बारीक कट करके लसन भी एड कर देंगे आप अदरक डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और फिर प्याज के अच्छे तरीके से भुन जाने के बाद यहाँ पर हमारे ड्राई स्पाइसेस डालेंगे जैसे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर उसी के साथ में थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर जरूर से डालेंगे सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगता है कि मसाले जल सकते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं मैंने भी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले जले ना अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों के पक जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे हरे हरे हमारे बॉइल करे हुए मटर पहले से ही मैंने इनको उबाल के रख लिया था अच्छे तरीके से सभी को मिक्स करेंगे और उसके बाद ना एक लेते हैं पटेटो मैशर और से ना बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे कुछ कुछ छोड़ देंगे कुछ कुछ मैश कर लेंगे तो इस तरीके से कोर्सली मैश करेंगे मतलब अच्छे से मिक्स करेंगे और ये स्टफिंग ना बिल्कुल ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे और अगर ड्राई नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे दो या तीन चम्मच के राउंड सत्तू या फिर बुना हुआ बेसन डाल सकते हैं एकदम ड्राई हो जाएगी लेकिन स्टफिंग ड्राई होनी चाहिए और यहाँ पे हमारा आटा भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और आप मीडियम साइज की हम इस तरीके से इसकी बॉल्स कट कर लेंगे तो ये देखिए और फिर हाथों से जिस तरीके से हम हमारी रोटी के लिए गोल बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से ऐसे गोल कर लेंगे देखिए ताकि साइड्स बिल्कुल इक्वल आ जाए ये देखिए और उसके बाद आप चाहे तो हाथों से फैलाकर मैं यहाँ पे बेलन की हेल्प से इस तरीके से पहले बड़ा और उसके बाद बीच में यहाँ पे हम स्टफिंग फिल करेंगे तो स्टफिंग की ना मैंने छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली है और ये इस तरीके से बीच में डालेंगे मटर की स्टफिंग और इस तरीके से प्लीट्स बनाते हुए सील कर देंगे ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सील करना है और उसके बाद गोल करके आप चाहे तो हाथों से बढ़ा सकते हैं अदरवाइज आप बेल के भी बढ़ा सकते हैं मैंने यहाँ पे हल्का सा पहले हाथों से बढ़ाया फिर इस तरीके से बेलन से बड़ी कर लेंगे और एक जिस भी तरह की आप नान बनाना जाते हैं जिस भी शेप की उस शेप में हम इसको फैला लेंगे तो ये देखिए ये हमारी नान बन के तैयार है और इसके बाद गार्निशिंग के लिए आप चाहें तो हरा धनिया पत्ती लगा सकते हैं मैंने यहाँ पे काले तिल लगाए हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि उतरे ना और उसके बाद ना कुछ लोग बोलते हैं कि नॉन स्टिक पर अगर आप नमक वाला पानी छिड़क के नान चिपकाते हैं तो चिपक जाता है लेकिन ट्रस्ट भी मैंने बहुत बार ट्राई किया नॉन स्टिक पर बिल्कुल भी नहीं चिपकता है तो इसके लिए आपको आयरन तवा ही यूज़ करना पड़ेगा एक साइड पानी लगाकर इस तरीके से चिपकाएंगे तो बहुत अच्छे से चिपक जाता है और एकदम क्रिस्पी हो जाता है नीचे से उसके बाद डायरेक्ट इस तरीके से फ्लिप करके ऊपर से सेकेंगे और बिल्कुल ऐसा तंदूर जैसा सिकता है आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा उसके बाद मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में ऊपर बटर लगाया आप घी भी लगा सकते हैं और जिसके साथ चाहे सर्व कर सकते हैं मैंने यहाँ पे इमली की चटनी और साथ ही में यहाँ पे आलू की रस्से वाली सब्जी बनाई है उसके साथ मैंने नान सर्व करी बहुत डिलीशियस बनती है आपको इन सर्दियों में एक बार ये जरूर से ट्राई करनी चाहिए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू